एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, ये हमको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 मारक न्यूक्लियर फैसिलिटीज के साथ पनडुब्बी सबमरीन भारत के नौसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं, ये हमारी ताकत बढ़ी। ये सारी बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी ताकत कहां से निकलती है? इसकी ताकत आपकी उंगली से निकलती है। जब आप ईवीएम पर कमल का मटन दबाते हैं तब बदलती है झारखंड की तस्वीर, तब बदलती है देश की तस्वीर, तब बदलती है हमारी तकदीर। इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए चुनाव में वोट देते समय कभी भी छोटा या मन की छोटी बात को सोचना यह हमारे हित के खिलाफ होता है, इसको हमको समझना चाहिए। जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो हम डबल इंजन की सरकार की बात सिर्फ भाषणों के लिए नहीं करते। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो प्रधानमंत्री का दिल्ली से 6,000 रुपए साल का किसान के सम्मान में मिलता है और वही रघुवर सरकार 1 हेक्टेयर पर 5,000 रुपए जोड़ती है और 1 से लेकर के 5,000 हेक्टेयर तक 5,000 जोड़ती चली जाती है। इसलिए अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो 5 रघुवर दास जी का और 6 प्रधानमंत्री जी का 11,000 होता है और किसी के पास अगर 5 एकड़ होती है तो 25,000 रघुवर जी का जुड़ता है, ऊपर से 6,000 प्रधानमंत्री जी का जुड़ता है, 31,000 रुपए उस किसान को मिलते हैं। यह है डबल इंजन की सरकार, यह है डबल इंजन की सरकार, ऊपर से दिल्ली की मदद और यहां देश की मदद। अगर हम बात करें उजाला योजना की तो 8 करोड़ सिलेंडर, देखो एक समय देश में क्या था, राजनीति क्या होती थी 2014 से पहले, हम चुनाव में आपको 8 सिलेंडर देंगे, फिर लोगों ने कहा नहीं मजा नहीं आया, अच्छा 9 कर देंगे, अच्छा नहीं मजा नहीं आया, अच्छा चलो महीने का 1 कर देंगे, 12 कर देंगे, ऐसे राजनीति करते थे, वोट के लिए करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई आज हम गौरव के साथ बोल सकते हैं कि 8 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा उजाला उज्ज्वला योजना में दे दिया गया है, यह हमको ध्यान रखना है। 33 लाख हमने झारखंड में दिए और 43,000 परिवारों को चाईबासा में यह फैसिलिटी दी गई है। 43,000 डबल इंजन यह है कि मोदी जी ने 1 सिलेंडर दिया तो रघुवर जी ने कहा कि 1 सिलेंडर प्रदेश की तरफ से भी दो, 2 सिलेंडर दिए, ये हमको ध्यान में रखना है। ये है डबल इंजन की सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो देश में 1,05,00,000 हाउसेस बन चुके हैं, 6,00,000 झारखंड में बन चुके हैं और 2,500 चाईबासा में घर बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। यह है हमारे बात विषय जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। अगर हम उजाला योजना की बात करें तो देश में लगभग 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स लगाए गए हैं और 18,000 करोड़ रुपए की बिजली का बचत हुआ है, यह भी हमको समझना चाहिए। जब हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 2.62 करोड़ इतने लोगों को घरों को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है और मैं खुशी के साथ बोल सकता हूं कि चाईबासा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हाउसहोल्ड का हो गया है, यह भी हमको समझना चाहिए। यह परिवर्तन, यह सरकार में लोगों को लाने का फर्क। अगर मोदी जी ने कुछ दिया तो वह धरती पर रघुवर जी ने उसको लगाया है, इसको हमको समझने की जरूरत है। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा, मुझे बहुत खुशी और संतोष है कि मुझे एक ऐसे स्कीम को लाने का मौका मिला जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है और 9 महीने में इस स्कीम को हम लोगों ने धरती पर लागू कर दिया और मुझे खुशी है कि लागू करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से चलकर बिरसा मुंडा की धरती रांची और झारखंड में आए और यहां से उसका श्री गणेश किया गया, यह हमको ध्यान में रखना। क्या है ये स्कीम? 10,74,00,000 परिवार, 10,74,00,000 परिवार का मतलब होता है 55 करोड़ लोग और 55 करोड़
करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का निश्चय आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत में किया। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, जेनेवा में हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, भारत का स्वास्थ्य मंत्री उसमें भारत की नुमाइंदगी करता है। मैं जेनेवा गया था, भारत की जगह पर इंडिया लिखा जाता है, अल्फाबेट में इंडिया सबसे पीछे आता है क्योंकि आई होता है, तो मेरी कुर्सी पीछे लगी हुई थी। 5 साल में स्वास्थ्य में इतना काम हुआ था कि डॉक्टर टेड्रोस जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने मंच से आवाज लगा के कहा, मिस्टर नड्डा कम फॉरवर्ड एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट मोदी हैज डन इन आयुष्मान भारत, दिस इज इंडिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर नड्डा आगे आओ और आकर के दुनिया को बताओ कि भारत ने आयुष्मान भारत में क्या किया है, और दुनिया इसको रेप्लिकेट करे, दुनिया इसको पूरा करे, यह कहने की बात है। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में यह जो स्वास्थ्य की योजना है आयुष्मान भारत, इसमें 55 करोड़ लोगों के अंगूठे से उनका इलाज होगा। आपको मतलब समझ में आया? उसको एक चिट्ठी मिली है, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को चिट्ठी गई है, उस चिट्ठी में QR कार्ड है, उस QR कार्ड को लेकर के अस्पताल में जाएंगे, उसको दिखाएंगे, जैसे ही QR कार्ड का मेल होगा उस परिवार का नाम और उसके सदस्यों का नाम आ जाएगा। जब उस सदस्य का नाम आ जाएगा तो उस सदस्य को सिर्फ यह बताना है कि मैं वही सज्जन हूं, उस परिवार का ये मेरा नाम है। उसका अंगूठा में बायोमेट्रिक लिया जाएगा, वह लेने के बाद वो देश के किसी भी अस्पताल में चला जाएगा, उसका इलाज मुफ्त हो जाएगा 5 लाख तक का, और पैसा भारत सरकार और यहां की सरकार से। यहां का कोई व्यक्ति टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे चला जाए, यहां का कोई व्यक्ति वेल्लोर चला जाए, वो सिर्फ अपना अंगूठा दिखाएगा, चायबासा का गांव निकल करके आ जाएगा, जिस गांव का रहने वाला है उसका पूरा परिवार का नाम आ जाएगा और उसके भुगतान वहीं पर हो जाएगा। इस तरीके की योजना डिजिटली भी यह सबसे बड़ी योजना है जिसको हमको समझने की जरूरत है। और यहां भी जहां हम लोगों ने 50 लाख पेशेंट्स को एक साल में इसकी सुविधा दी है, वहीं 7500 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं, 57 लाख 68 लाख परिवार है झारखंड में। रघुवर जी ने इसकी संख्या बढ़ा दी और 57 लाख तक BPL से आगे बढ़ाकर 57 लाख परिवार इसमें कवर्ड है, और चाईबासा में 11,000 लोगों ने इसकी सुविधा अवेल कर ली है, यह हमको समझना चाहिए। इसलिए जब हम झारखंड की बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि मोदी जी ने और रघुवर जी ने मिलकर डबल इंजन की सरकार लगा करके आपका विकास और उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। एक बात और कहना चाहता हूं, लंबे समय तक नक्सलवाद पनपा हुआ था और उसको संरक्षण मिलता था, राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के ये चलता रहे, इस तरह की योजना बनती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आज नक्सलवाद जड़ से समाप्त हो रहा है और हुआ है। और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्प है, यह भी मैं आपको बताना चाहता। अगर हम विकास की बात करें तो झारखंड को 70 साल में मिले 3 मेडिकल कॉलेज, और मोदी जी के सरकार में और रघुवर जी के सरकार में 5 साल में मिले 5 मेडिकल कॉलेज, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। दुमका में, हजारीबाग में, पलामू में, चाईबासा में और कोडरमा में ये 5 मेडिकल कॉलेज होते हैं। हम लोगों ने तय किया कि 3 लोकसभा में जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां 1 मेडिकल कॉलेज खुलेगा, और झारखंड को 5 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और झारखंड को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी मिला है, और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए का है देवघर में। मैं ये सब आपको इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि आपके ध्यान में रहना चाहिए कि जिनको आपने चुना, चाहे देश में चुना चाहे प्रदेश में चुना, दोनों ने मिलकर के आपकी सेवा
भरपूर सेवा की है, ये आपके ध्यान में आना चाहिए। और इसीलिए हम जब भी वोट मांगते हैं तो कहते हैं सबका साथ, सबका साथ। जब हम कहते हैं तो हमने ट्राइबल्स की भी चिंता की है। तुमित साहब ने लंबी लिस्ट पढ़ करके आपको बताई है कि ट्राइबल्स के लिए क्या क्या हुआ है और क्या क्या लोग हरियाली आंसू बहाते रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर मैं एससी की बात करूं, जो काम मोदी जी ने 5 साल में कर दिया वो एससी, डॉक्टर अंबेडकर की बात करते रहे, डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक नहीं बनाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के जन्म से लेकर के उन्होंने जहां प्राण त्यागे सब जगह 5 मेमोरियल बना करके मोदी सरकार ने दिया, ये हमको ध्यान रखना। एससी कमीशन स्थापित किया, बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, एससी को मुख्य धारा में लाने का प्रयास हुआ, सबको साथ जोड़ करके चलने का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किया। वो राजनीतिक दल हैं, वो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जाति में बांट देते हैं लोगों को, उनका भाषण सुनो कभी विकास की बात नहीं करेंगे, जातियों में बांट जाते हैं, बन जातियों में बांट जाते हैं। लेकिन ये मोदी जी हैं जिनकी सिर्फ एक जाति है और वो जाति है गरीब, गरीब की सेवा करना यही उनकी जाति है, ये हमको समझना, इसके लिए उन्होंने कहा। अब मैं आजकल देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में गलबाइयां हो रही, दोस्तियां हो रही, हम झोली बने हुए, ये गलबाइयां, ये हम झोली, ये दोस्ती, ये सिर्फ कुर्सी की दोस्ती है, ये स्वार्थ की दोस्ती है, इसका कोई झारखंड की जनता से विकास से लेना देना नहीं है, ये हमको समझ लेना चाहिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब झारखंड की आंदोलन हो रहा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन में लगी थी? क्या यह सच्चाई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जो खड़ी थी कि हां अलग राज्य होना चाहिए और अटल जी ने अलग राज्य करके दिया आपको? उस समय कांग्रेस के लोग गोलियां नहीं बरसा रहे थे क्या? उस समय कांग्रेस के लोग सीधे साधे आदिवासी भाइयों को प्रताड़ना नहीं दे रहे थे क्या? उस समय लोग आदिवासी भाइयों को बरगला नहीं रहे थे क्या? आज ये प्रश्न खड़ा है, ये जो महामिलावटी है और ये जो स्वार्थ का गठबंधन है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना है, इसको कोई विकास से लेना देना नहीं है, ये विचार विहीन पार्टी हो गई है। एक तरफ दर्जन भर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है तो दूसरी तरफ वंशवाद से प्रेरित और पीड़ित लोग एक साथ इकट्ठे आए हैं, ये हमको समझना चाहिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं झारखंड एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब उसको फैसला करना है क्या झारखंड में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेना है, क्या झारखंड को विकास की प्रगति पर चलना है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो अपने आप में पृथ्वी माता ने इसको पूरा आशीर्वाद दिया, मिनरल्स और माइंस की खान, विकास के लिए क्या संभावनाएं, लेकिन लंबे समय तक अस्थिरता लाकर के अपने स्वार्थ के कारण हलवा मांडा खाते हुए वन पट्टों की चर्चा करते हुए वन की जमीन को हड़पने वाले आज सत्ता के दरियारे पर खड़ा होने की बात कर रहे हैं, ये आपको समझना है। वन पट्टे की बात करते हैं, आप बताइए कि आम आदमियों की जमीन हड़पने के लोग कौन हैं और वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं और वो किनको समर्थन करते हैं? ये जग जाहिर है कि पहले सत्ता हासिल करो, फिर लोगों को तंग करो, फिर उनके हकों को हुकूक को बारो, अपना उल्लू सीधा करो, अपना विकास करो, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो सीना तान कर खड़े होकर के ये कह सकती है कि हम लोगों के लिए थे, हम लोगों के लिए हैं, हम लोगों के लिए रहेंगे और विकास करेंगे, इस बात के लिए हम समर्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा जिनके घरों में हम लोगों ने आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का इलाज पहुंचाया है। हमें उन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा जिनके घर में बिजली नहीं पहुंचती थी, उनके जीवन को परिवर्तित किया है। हमें उन बहनों का आशीर्वाद मिलेगा जिनके घर में
मोदी जी ने और रघुवर जी ने शौचालय को पहुंचाया है। और शौचालय पहुंचने का मतलब मित्रों सिर्फ शौचालय नहीं होता, एक परिवार की इज्जत और आबरू होती है, उसको इज्जत दी है, ये समझने की जरूरत है। यह समाज में परिवर्तन लाया है। यह गैस का कनेक्शन सिर्फ गैस का कनेक्शन नहीं है, मैं गांव का रहने वाला हूं, पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूं। जब गैस नहीं थी तो हमारी बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ियां काट करके लाती थी, फिर सूखी सूखी लकड़ियां ढूंढती थी, तब 6 बजे कहीं चूल्हा जलाती थी और तब चाय घर के लोगों को पिलाती थी। ये परिस्थिति आज शान के साथ अपने घर में बैठकर एक लाइटर जलाती है, गैस का चूल्हा चलता है, 5 मिनट में भोजन की तैयारी शुरू हो जाती है। यह परिवार का परिवर्तन हुआ है, इसको समझना चाहिए। यह उन माताओं बहनों से पूछो जिनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और मैं चाहूंगा कि आप उन माताओं बहनों का आशीर्वाद लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी को विकास की ओर जो जा रही है उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद करें। जहां तक दुबित जी का सवाल है, मैं चायबासा की जनता को एक बात बताना चाहता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान प्रशासनिक प्रखरता रखने वाला ऐसे प्रत्याशी किसको मिलते हैं, ऐसे प्रत्याशी आपको मिले हैं।